एवरीवन, वेलकम टू अभिक्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे अभिक्षा के मिशन 2023 के साथ। तो हमारा अध्याय एक संबंध एवं फलन खत्म हो चुका था जबरदस्त तरीके से। तो आज हम लोग इस परीक्षा की कड़ी में, इस गणित की कड़ी में अध्याय दो का हार्दिक स्वागत करते हैं। और अध्याय दो का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है अध्याय दो का नाम बोला मैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। या आप लोग दसवीं से पढ़ते आ रहे हो, दसवीं में त्रिकोणमिति पढ़े, ग्यारहवीं में त्रिकोणमिति फलन, और बारहवीं की बारहवीं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में, ठीक है। और ये फलन हम लोग डिस्कस करें अध्याय एक में। तो ठीक है, मैं इस अध्याय दो में क्या क्या चीज डील कराने वाला हूं। देखो, समझने वाली बात क्या है कि ना, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कोई आसान नहीं है। मतलब ये तो इतना बड़ा है कि मैं तो इसमें 8-10 महीने बस इसी में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे पेड यूजर होंगे, जो देख रहे होंगे, जो अभिक्षा ऐप से परचेस करे होंगे, तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे वीडियोज मैं अपलोड किया हूं। तो अभी मेरे लिए और आपके लिए एक टास्क है कि कैसे कम समय में हम लोग इसमें से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लें और एग्जाम में हमारा एक रिवाइज हो सके, ठीक है। बाकी है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है ये अपने में। मतलब अपने में ये 10 चैप्टर का वजन रखता है, ये इतना बड़ा है अगर आप इसको पढ़ने जाओ तो, ठीक है। तो मैं आप लोग को ऐसा डरा रहा नहीं हूं। तो इसमें हम लोग सेलेक्टेड चीज पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। तो देखो, इसमें से ना 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना। इसमें कोई भी ना इधर उधर नहीं करना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। तो इस अध्याय में मैं बोला, इस अध्याय में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ देगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछेगा। तो कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं? सर 6 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से देखना आप लोग। 6 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, 6 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, 6 नंबर के क्वेश्चन है भाई। 6 नंबर के लिए तो पढ़ना बनता है, ठीक है। तो देखो, मैं इसको ना सबसे पहले ना ये 3 चीज आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा मैं, जो कि आपका बेस बनाने का काम करेगा, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत एवं परिसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रांत और परिसर को समझना। उसके बाद में महत्वपूर्ण सारणी बताऊंगा जिसमें आप त्रिकोणमिति फलन के जो हम लोग 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज याद करते हैं वो देखेंगे। फिर चतुर्थांश सूत्र, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 चतुर्थांश का उपयोग करके आप लोग जो सूत्र उत्र बनाते हो और रटते रहते हो ना, रटना नहीं है, बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन में आऊंगा, 2 अंक के क्वेश्चन पहले बताए जाएंगे, उसके बाद 4 अंक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। और उसमें ना इस क्वेश्चन में ये ना आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। और इसमें कोई भी बीच में सूत्र लगेगा ना, इसमें सूत्र लगेगा इसमें बीच में, तो वहीं पे मैं आप लोगों को बता दे करूंगा, ठीक है, बता दे करूंगा। गणित में भाई सूत्र का बहुत ज्यादा मतलब आत्मसम्मान करना चाहिए। मतलब भैया, आत्मसम्मान तो खुद का सम्मान हो गया क्या? तो सूत्र का भी सम्मान करना चाहिए, है ना। गणित में ना बहुत ज्यादा जरूरी है उस सूत्र का सम्मान करना। तो चलो, मैं पहले आप लोग के पेज में, नए पेज में आप लोग का हेडिंग होगी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत तथा परिसर। अब इसके बारे में बात करता हूँ। अब लोग ध्यान से देखना क्यों बात कर रहा हूँ मैं इसमें, ना ध्यान से देखना कि क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को क्या हो गया कि मेरे को इसमें बात करना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, आप लोग ये देखे होगे, बस ध्यान से देखते जाना ना, कि जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है। और हम लोग रफली बोल देते हैं इसमें, सर क्या रफली बोल देते हैं कि ये साइन इनवर्स से साइन कट गया और एक्स आ गया, रफली बोलते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है, रफली बोलते हैं। अभी तो मैं काट के नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। उसी प्रकार ना आप लोग ये भी बोल देते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा और एक्स आ जाएगा। पहली बात तो ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा, ये शब्द मत बोलना, रफ लैंग्वेज में बोलते हैं। जब मैं कभी भी यूज किया तो वो रफ लैंग्वेज है। एक्चुअली इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी से, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, प्रूफ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स को करते हैं तो एक्स आता है, तो ठीक है, इसी के बारे में बात होगी। लेकिन अगर यहां पर मैं बोला कि देखो ऐसा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स होता है, मतलब यहां पे जो आएगा उसको मैं रख दूंगा। अगर मैं बोला साइन इनवर्स साइन 2π क्या है, 2π, तो सर ये तो आप हम लोगों को बताए ना, तो सर रफ लैंग्वेज में बोलने बोले हो, साइन इनवर्स से साइन कैंसल हो गया, सर 2π आएगा। गलत है भाई, 2π नहीं आएगा। अगर ऐसे लिखा रहता, मैं ऐसे लिखा रहता कि साइन इनवर्स साइन π/4, तो मैं बोल रहा हूं हाँ π/4 आएगा। हाँ, वही रफ लैंग्वेज से बोला मैं, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो π/4 आएगा। यहां पे तो लिख के दिखाया,
तो सर आप बोल रहे हो इसके हिसाब से आप ये कर दिए, तो इसके हिसाब से तो सर ये 2π आना चाहिए ना सर, क्योंकि यहां जो रहता है ना वही तो आता है सर, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से देखे हम लोग, तो कैसे ये गलत हो गया, कैसे ये सही हो गया? इसी के लिए तो आप लोग को प्रांत और परिसर पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, आएगा क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखना, बोलो ध्यान से देखना। चलो फिर कहानी शुरू करूं। चलो तो हम लोग के पास कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, प्यार से लिख लो, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, बहुत गजब, और इसी सीक्वेंस से लिखना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स साइन कॉस टेन कॉट कॉट इनवर्स एक्स, कॉट के बाद होता है सेक इनवर्स एक्स, और फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, प्यार से बस ऐसे लिख दो, बस कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स एक्स, सबका मैं प्रांत के बारे में बात कर रहा हूं ना, साइन इनवर्स एक्स से कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो प्रांत, प्रांत क्या होता है, ये जो एक्स दिख रहे हैं इसको अगर मैं सबको थीटा मान लेता हूं, चलो ये मैं एक थीटा, सबको मैं थीटा मान लेता हूं, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है ये थीटा मान लिया। चलो ध्यान से देखो, अब इसमें जो एक्स है ना, एक्स का भाई रेंज होता है ऐसे नहीं, प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, डी ओ डोमेन, डी ओ एम ए आई एन, ये डोमेन। और भाई परिसर को बोलते हैं रेंज, आर ए एन जी ई, रेंज बोलते हैं। अब इसका क्या है डोमेन और रेंज, ध्यान से देखना, जो एक्स है ना इसका रेंज होना चाहिए -1 एक्स एक्स से +1, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स, -1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब जो एक्स का जो रेंज है ना वो -1 से लेकर +1 तक वेरी करेगा, -1 से +1 तक, जिसमें -1 भी इंक्लूड है और +1 भी इंक्लूड है, इक्वल टू लिखा मैं। कॉस इनवर्स एक्स का भी प्रांत होगा -1 से लेकर +1 तक, ध्यान से देखते रहना। टेन इनवर्स एक्स का प्रांत होगा -∞ से +∞ के बीच में, अब ध्यान से देखो यहां पे इन्फिनिटी करना है ये, अब ध्यान से देखो यहां पे मैं ऐसे इक्वल टू नहीं डाल रहा हूं, इक्वल टू नहीं डाल रहा हूं, जब इक्वल टू मैं नहीं डाला इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। इन्फिनिटी इंक्लूड कैसे होगा, इन्फिनिटी तो अपरिभाषित है, तो यहां पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का बीच का जो, बीच का जो नंबर आएगा उसके लिए तो वैलिड है ये एक्स। अब देखो कॉट क्या है, कॉट भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए वैलिड है। क्या है अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, क्वेश्चन में कराऊंगा, पहले ये तो सीखो, पहले चलना तो सीखो फिर भागना सिखाऊंगा ना मैं हूं ना, हाँ देखो कैसे जैसे शाहरुख खान बन गया ना मैं हूं ना। और देखो सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में इस एक्स का जो रेंज होता है वो एक्स जो है लेस देन इज इक्वल टू -1, मतलब -1 भी रहेगा और उसके पहले -1 और उसके पहले, और एक और रहता है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 और उसके बाद वाला भी, यानी -1 और ये 1 है, तो -1 से लेकर इस तरफ जाते जाएगा माइनस तरफ और +1 से लेकर इस तरफ जाते जाएगा, मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि -1 और 1 के बीच का इसमें नहीं रहता। हाँ, और तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए भी यही सेम रहता है, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब इसको ना जो नहीं समझ पाएगा ना भाई, ये अब ये ना कैसे आता है, आता है ये कैसे आता है, जब जब मैं क्लास स्टार्ट कराता हूं इसमें तो पहले फलन को डील करता हूं, फिर प्रतिलोम फलन को डील करता हूं, अध्याय एक में फलन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अध्याय एक में फलन पढ़ लिए, संबंध पढ़ लिए, जब अध्याय दो में आते हैं तो फिर मैं फलन को एक बार और पढ़ाता हूं, फिर प्रतिलोम फलन को डील करता हूं, वहां पे फिर ये क्या हुआ कैसे हुआ ग्राफ से हम लोग समझते हैं, अभी वो नहीं करेंगे, अभी हमको इस टेबल को भाई याद करना है, ठीक है। अब मैं प्रांत के बारे में देख लिया, परिसर के बारे में देख रहा हूं, परिसर के बारे में इस थीटा की बात करूंगा, मतलब ओवरऑल साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करूंगा, तो देखना अभी ये समझ में आएगा। तो जो ओवरऑल साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना वो -π/2 से +π/2 के बीच वेरी करता है, -π/2 से +π/2 के बीच वेरी करता है, और इसमें देखो इक्वल टू का साइन है, मतलब -π/2 भी इंक्लूड है और π/2 भी इंक्लूड है, माइनस और प्लस दोनों इंक्लूड है। अभी ध्यान से देखना, तो आप लोग को अगर ये बात समझ में आया होगा कि क्यों नॉट इज इक्वल टू 2π हुआ, क्यों बताऊं, क्योंकि ओवरऑल साइन इनवर्स है ना,
ओवरऑल देखो साइन इनवर्स है ना, ये ओवरऑल साइन इनवर्स है, उसका जो रेंज है ना वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए। पाई बाई टू का मतलब होता है 90, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में होना चाहिए, तब ये वैलिड है, तब ये वैलिड है। और ये देखो यहां पे क्या था, 2 पाई मतलब होता है 180, 2 पाई मतलब 180 होता है, तो 180 इस माइनस 90 और 90 के रेंज से बाहर है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। इस केस में आप लोग को ना इसको चेंज करना पड़ेगा, और चतुर्थांश वाला जब सूत्र कराऊंगा ना तब पता चलेगा कि इसको चेंज कैसे करते हैं। यहां पे देखो रफ लैंग्वेज में अगर बोलूं, रफ लैंग्वेज में बोलूं तो ये और ये कट के देखो ये आ गया, बताऊं क्यों आ गया, क्योंकि देखो ये पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर 45 होता है, और मेरा जो साइन इनवर्स है वो 45 रेंज में आ रहे हैं, माइनस 90 से 90 के बीच में 45 आ रहे हैं, हाँ इसलिए ये पाई बाई फोर हुआ, ये 2 पाई नहीं हुआ, 2 पाई नहीं हुआ क्योंकि 2 पाई साइन इनवर्स के रेंज से बाहर जा रहा है, साइन इनवर्स के रेंज से बाहर जा रहा है ये, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दो नंबर के लिए यार पूछे जा रहे हैं और पूछना चाहिए इसको, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, कॉस इनवर्स में देखो क्या होता है, ये होता है जीरो से पाई के बीच, और जिसमें जीरो और पाई भी इंक्लूड है, जीरो और पाई भी इंक्लूड है। टेन का देखेंगे, टेन का क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जिसमें कि देखो माइनस पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है और पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं डाला हूं, ऐसे करके इक्वल का साइन नहीं डाला हूं, तो आप लोग देखोगे तो साइन में, साइन इनवर्स की बात करता हूं तो दोनों में इक्वल है, दोनों में माइनस पाई बाई टू, सॉरी साइन में माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड है, लेकिन टेन में नहीं है ना, ध्यान दे रहा। अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स की बात करूं तो कॉट इनवर्स एक्स होता है जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में। देखो कॉस क्या होता है, जीरो से पाई के बीच में होता है, ये भी जीरो से पाई के बीच में होता है, लेकिन इसमें जीरो और पाई इंक्लूडेड है, इसमें जीरो और पाई इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर है क्या, गजब। अब सेक इनवर्स एक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये सेक इनवर्स एक्स ओवरऑल रेंज की बात कर रहा हूं, देखो रेंज की बात कर रहा हूं, इस रेंज में ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। तो देखो सेक इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं, सेक इनवर्स एक्स की बात किया तो ये होना चाहिए जीरो लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू पाई, मतलब ये जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए, जहां पे जीरो और पाई भी इंक्लूड है। उसका मतलब सर आप देखो ना सर कि सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स सर दोनों सेम हो गए, हाँ सर देख रहे हैं, लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि इसमें थीटा जो है पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, थीटा पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, थीटा पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, हाँ इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, पाई बाई टू 90 होता है और पाई क्या होता है 180 होता है, तो 180 की ओर जा रहा होगा तो कहीं पे तो 90 आएगा ना, इसमें नहीं होगा, ऐसे कुछ जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है वहां पर। अब कॉसेक इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें माइनस पाई बाई टू भी इंक्लूड है, पाई बाई टू भी इंक्लूड है, देखो देखने में तो साइन इनवर्स टाइप का लग रहा है, पर इसमें भी एक कंडीशन है कि यहाँ पे थीटा नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो, बस आप लोग को इतना समझना है, बस आप लोग को इतना समझना है, दो नंबर आ गए। अगर आप लोग इतना समझ गए तो, इतना समझ गए तो अभी इस रेंज वाले की बात करूंगा, अगर ये समझ में नहीं आया होगा ना तो अभी दो अंक के क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये सब बात करने वाला हूँ मैं, सब बात करने वाला हूँ बोला, तो ये याद करो, तो ये याद करेंगे। और ये आता है ऐसे ही नहीं, ये आता है कैसे आता है, जब मैं प्रतिलोम फलन के बारे में जब पढ़ाता हूँ ना तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि क्यों हम लोग लिए, वहां पे भी कंसेप्ट आता है एकाकी आच्छादत वाला, ठीक है। तो अभी आप लोग को इतना सारा बात नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग करो, ठीक है, ये आप लोग करो, ठीक, तो ये याद हो गया, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं, याद कर लेंगे। तो आप लोग का सेकेंड हेडिंग रहने वाला है महत्वपूर्ण सारणी, महत्वपूर्ण सारणी, ठीक है, महत्वपूर्ण सारणी की मैं बात किया तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से हम लोग देखेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से ना कॉपी वॉपी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखो, कॉपी वॉपी बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके आप लोग रखेंगे। इसको मैं मस्त ये कलर दे देता हूँ, ध्यान से रखो, इधर जो है ना, इधर थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, कोण की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, और इसमें त्रिकोणमिति फलन मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसमें त्रिकोणमिति फलन लिख रहा हूँ, ठीक है, त्रिकोणमिति फलन, तो ये मैं त्रिकोणमिति और ये फलन को ऐसे करके शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, त्रिकोणमिति फलन। सर आप क्या करने वाले हो, यही करने वाला हूं जो आप लोग बचपन से देखते हुए आए हो, इसको बचपन से मतलब दसवीं से। तो अगर देखो मेरे पास त्रिकोणमिति फलन है, अभी प्रतिलोम की बात नहीं कर रहा मैं, अभी प्रतिलोम की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो ग्यारहवीं में भी देखे हो, प्रतिलोम की बात करता हूं तो साइन इनवर्स लगाऊंगा, प्रतिलोम की बात किया तो,
और प्रतिलोम की बात नहीं कर रहा हूं, देखो प्रतिलोम की बात किया और प्रतिलोम की बात नहीं कर रहा हूं ना, तो अभी मैं प्रतिलोम की अगर बात नहीं किया तो अभी मैं साइन इनवर्स नहीं लगाऊंगा, सिर्फ साइन थीटा। तो देखो ये होता है साइन थीटा, फिर क्या हो कॉस थीटा, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन कॉस टेन फिर कॉट फिर सेक। देखो कॉसेक के लिए जगह नहीं है लेकिन मैं जगह बना दूंगा, ठीक है ये हो गया। ठीक है पहले ज्यादा गैप दे दिया, कोई बात नहीं होता है। अब ये होता है जीरो डिग्री आपको पता करना रहता है, अब पता क्या करना रहता है याद ही करोगे, जीरो तीस पैंतालीस साठ डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग को देखनी रहती है, क्लियर है। ये सब क्या है डिग्री में, और रेडियन में क्या होता है, रेडियन में इसको मैं कैसे लिखूंगा, रेडियन में कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना ना, पाई को ये रेडियन है, पाई को डिग्री में 180 होता है, अगर आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब आप लोग को डायरेक्ट ये याद रहना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट तो याद रहना चाहिए ना। अब मैं बोलूंगा 10 और 10 कितना होता है तो कैलकुलेटर नहीं निकालोगे ना, जोड़ के देखोगे 10 और 10 20 होता है, वैसे ये याद रहना चाहिए पाई, हाँ 180 होता है, तो बस ये पाई याद रखना। तो 2 पाई कितना हुआ, 2 पाई, पाई की जगह 180 रख दो ना, 180 गुणा 2 कितना हुआ 360, ये आप लोग को याद होना चाहिए, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो पाई बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2 ये रेडियन में डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 2, अरे पाई की जगह 180 रख दो, 180 बटा 2 कितना होता है 90 डिग्री। गजब सर, तो ये बता दो पाई बाई 3 कितना होता है, सर रुको हम बताएंगे, सर पाई की जगह 180 रख दो, 3 छक के 18 और 0 60 होगा सर, काट के बता देंगे हम लोग, रख रख के पुट उट करके काट वाट देंगे, जो कटता है बता देंगे। तो पाई बाई 4 बताओ, अगर इतना है तो पाई बाई 4 बताओ, और आ गया तो पाई बाई 6 बताओ, ये लो बताओ पाई बाई 4, 180 पाई, पाई की जगह 180 रखूं, 180 बटा 4 तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 दो इधर आया, 4 पंच 20 ये 45 और ये होता है भाई 30, वैल्यू रखो कैलकुलेट करो। तो आप लोग को ये इतना रिजल्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो 0 तो रेडियन में भी 0 ही होगा, ये जो 30 है ये रेडियन में क्या होगा, पाई बाई 6, ये रेडियन में कितना होगा, पाई बाई 4, ये रेडियन में कितना होने वाला है, पाई बाई 3, और ये रेडियन में कितना होने वाला है, पाई बाई 2। ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से रखना, ये 0 का तो 0 ही होगा, ठीक है। तब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, मैं इस पर इंटरेस्टेड हूँ, और ना आप लोगों ने सबको तो यार ये याद होना चाहिए, बट फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं, अगर हम लोग आ ही रहे ना युद्ध में तो अच्छे तरीके से आते हैं। देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसको डायरेक्ट ऐसे याद करना है, 0 1/2 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2 1, बस खत्म, ये याद करना है। वो अजीब अजीब यूट्यूब में बहुत सारे सेशन है ऐसे उंगली से निकालना बताते हैं, ये वो से निकालना, रे मत करो भाई, क्या बड़ी बात है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 खत्म, बस ये याद करना है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, कॉस का इसका रिवर्स हो जाएगा, हम अभी ऐसे गए आप लोग ऐसे आओ, कॉस का रिवर्स हो जाएगा, पहले क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है कॉस 0 1 हो गया, फिर क्या है √3/2 √3/2 फिर क्या है 1/√2 1/√2 फिर क्या है 1/2 फिर 0, हम लोग ऐसे चले, ठीक है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा ना तो 2 मिनट में सारणी बना लेना, अगर रटने की जरूरत नहीं, अरे अपने दिमाग में कितना आप वो भर के जाओगे, रट रट के कितना सारा कंटेंट लेके जाओगे, दिमाग को खाली रखो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, 2 मिनट लगेगा ये सारणी बनाने में, एग्जाम में बना लेना, काम ही आएगा, बहुत सारे जगह में यूज होगा। अब देखो टेन का भी याद करना, मैं बोला साइन का आप लोग को याद करना और टेन का भी याद करना, देखो कैसे याद करना है, 0 1/√3 1/√3 1/√3 एक बार एक को ले लो बस एक को ले लो, ये एक को ले लिया, फिर उसके बाद √3 को ले लिया और फिर इन्फिनिटी, कैसे याद करना है, 0 1/√3 1/√3 फिर 1 को ले लो, फिर √3 को ले लो फिर इन्फिनिटी। अगर आप लोग टेन लिख लिए तो कॉट का क्या होगा, इधर से चलते आओ आप कॉट के लिए, इधर से चलते आओ, तो टेन लिख लिए तो कॉट भी आ जाएगा, तो पहले क्या है इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी लिख लो, ये √3 फिर 1 फिर क्या है 1/√3 1/√3 फिर क्या है 0, ये हो गया, क्लियर है। तो आप लोग को साइन याद करना और टेन याद करना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेक थीटा है, अब सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक जो है ना कॉस का प्रतिलोम होता है, कॉस का उल्टा, ठीक है कॉस का उल्टा, ये आप लोग समझ लो। तो इधर ध्यान से देखो अरे कॉस है तो ये बटे एक होगा, 1/1 है, कुछ नहीं है तो बटे एक है, ये भी अंश बटा हर में लिखा, ये देखो ये तो अंश बटा हर में,
तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखते रहना ना, ध्यान से देखते रहना बोलो मैं। देखो सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट कर दो, एक बटा एक है, एक बटा एक को उल्टा कर दो, तो एक बटा एक को उल्टा करोगे तो एक बटा एक ही होगा, ऐसे पलट दो तो एक बटा एक ही होगा, तो एक बटा एक को तो एक लिखूंगा। देखो रूट थ्री बाई टू है तो इसको पलट दो तो टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री हो गया। एक बटा रूट टू को पलट दूंगा तो रूट टू अपॉन वन होगा, रूट टू बटा एक होगा, रूट टू बटा एक को रूट टू ही लिखता हूं। एक बटा दो है, एक बटा दो है, उल्टा कर दो तो दो बटा एक होगा, दो बटा एक एक होता है। अब देखो ये जीरो बटा एक है, जीरो बटा एक है, ध्यान से देखो जीरो बटा एक है, अगर आप लोग इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको पलटोगे तो एक बटा जीरो हो जाएगा। जब कभी भी हर में जीरो आता है, जब कभी भी हर में जीरो आता है तो हमें इन्फिनिटी मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। लेकिन ऊपर में, ऊपर में जीरो या इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वह अपरिभाषित होता है। तो जब कभी भी ऊपर में वन है, टू है, जीरो को छोड़ के और इन्फिनिटी को छोड़ के अगर कुछ है और नीचे अगर जीरो है तो इन्फिनिटी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो बटा एक है, पलटा दूंगा, एक बटा जीरो होगा और एक बटा जीरो इन्फिनिटी होता है। अब अगर आप लोगों को सेक आ गया तो कॉसेक उल्टा लिख दो, उससे उल्टा लिख दो, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा रूट टू, और फिर क्या है टू बाई रूट थ्री, ये टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री, और ये फिर वन। ये देखो हो गया पूरा, हो गया ये पूरा ऐसे। तो ठीक है, आप लोग एकदम दिमाग में जोर मत डालना भाई, बस साइन और टेन को याद करना, और बहुत बड़ी चीज नहीं है याद करना, तो ये हो जाएगा। तो आप लोग को इस लेक्चर में मैं प्राण परिसर के बारे में बताया, प्राण परिसर के बारे में बताया, और ये एक प्रॉपर्टी से आता है भाई, प्रॉपर्टी से आता है। रफ लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये और ये कट गया, और देखेंगे ये होगा कि नहीं। यहाँ पे तो है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं जो भी यहाँ पे होगा। तो हम लोग ये यहाँ पे जो लिखा है ना, तो देखेंगे हमारे रेंज में है कि नहीं, रेंज में है कि नहीं। रेंज में होगा तो उठा के लिख देंगे, और रेंज में नहीं होगा तो भाई नहीं हो सकता। तो आप लोगों को ये कराया, अब क्वेश्चंस भी कराऊंगा, चतुर्थांश वाला बताऊंगा मैं, चतुर्थांश वाला बताऊंगा, ठीक है। 48 सूत्र बनते हैं उससे, 48 सूत्र 48 सेकंड में याद हो जाएंगे, 48 सूत्र 48 सेकंड में याद हो जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, तो इस सेशन को मैं एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ना, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।